नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। 9 फीट के अजगर का खेत में किया युवती ने रेस्क्यू, बोरे में भरकर किया रेस्क्यू। सांप एक ऐसा जीव है जिसका नाम सुनकर ही लोगों के मन में डर, घिन, हिंसा जैसे भाव पनपने लगते हैं। सांप कहीं भी निकले, लोग उसे पहले मार कर भगाने की ही कोशिश करते हैं। प्रकृति का इतना सुंदर जीव, लेकिन इंसान उसकी उपेक्षा और उसका तिरस्कार ही करता है। सांप खुद इंसानों से परेशान रहता है और दूर भागता है, लेकिन हम इंसानों ने इनके रहने की जगह ही छीन ली है। इनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती और ये इंसानों के सामने न चाहते हुए भी आ जाते हैं। ये अजगर सांप के रेस्क्यू का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक सांप पकड़ने वाली युवती ने खेत में जाकर 9 फीट लंबे काफ़ी भारी अजगर का रेस्क्यू करती है। दरअसल शहर के नज़दीक गोरेला गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव के एक किसान के खेत में एक बड़ा अजगर होने की बात पता चली। इतने बड़े अजगर को देख किसान घबरा गया। किसी ने उन्हें महिला सर्प मित्र का नंबर दिया तो उन्होंने सर्प मित्र कोमल को संपर्क कर खेत में अजगर होने की जानकारी दी। महिला सर्प मित्र वहाँ आई और फिर शुरू हुआ अजगर पकड़ने का सांसें थमा देने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन। वह अजगर को पकड़ने की कोशिश करती लेकिन अजगर उसकी पकड़ से निकल जाता। वह बोरी में लेकर अजगर के आने का इंतज़ार करती लेकिन दूसरी तरफ चला जाता। आखिर में अपनी जान हथेली पर रख कर महिला सर्प मित्र ने अजगर को पकड़ा और एक बोरी में बंद किया। काफ़ी देर तक सांसें थमा देने वाला अजगर का यह रेस्क्यू चला। खेत के चारों तरफ गांव के लोग इकट्ठा हो गए और हमने गोरेला गांव से ये रेस्क्यू किया था। फर्स्ट में मैंने सीखा है इसको, 2-3 महीने से मैं चमन जी के साथ में हूँ, वो हमारे गुरु जी है। एंड सीखने के बाद में हम यहाँ गोरेला में हमें कंप्लेंट मिली थी कि यहाँ पे अजगर आया है, तो यहाँ से हमने मौके पर पहुँचे, पहले सिचुएशन देखी कि क्या है क्या नहीं है, फिर उन्हीं की गुरु जी के देख रेख में ही हमने ये पूरा रेस्क्यू किया है। कृपया आप हम मुझे देख के या फिर किसी को भी देख के ये रेस्क्यू इस तरीके से ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है एंड वन्य जीवों को बचा। किस तरह की सूचना कैसे आती है आपके पास और किस तरीके से आप वहाँ तक पहुँचते हैं? हमारे जो कंप्लेन नंबर है उस पर कंप्लेन आती है एंड उसके बाद में हम वहाँ पर पहुँचते हैं। किस तरह के प्रयास करने पड़ते हैं और कैसे आपको पता लगता है कि कितना घातक है या किस तरह से काम करते हैं आप? पहले तो उसको जाके देखना पड़ता है मौके पे क्या है, क्योंकि लोगों के अनुसार हम वहाँ पे हाथ नहीं डाल सकते डायरेक्ट। उसको जानवर को भी देखना पड़ता है कि अग्रेसिव है या फिर कैसे है क्या है, सिचुएशन देखते पहले, उसके बाद ही उसको हाथ लगाना रहता है। तो आप इस तरीके का प्रयास नहीं करें। महिला सर्प मित्र इससे पहले भी कई जहरीले नागों को पकड़कर उन्हें वन विभाग कर्मियों की सहायता से जंगल में छोड़ चुकी है। आपको बता दें कि उदयपुर में चमन सिंह और उनकी टीम लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये मेरा शुरू से ही रहा, मैं कन्या बचाओ अभियान में राजस्थान का सबसे पहला आदमी हूँ जिसने कन्याओं को बचाने के लिए सबसे पहले मैंने भारत यात्रा करी। करीब 20,000 किलोमीटर मैंने मोटरसाइकिल चलाई दिन रात और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए। मैंने स्कूलों में गया, कॉलेजों में गया, उसके बाद मैंने लड़कियों को सांपों की ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया ताकि ये बच्चियाँ जो है अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बना सके और छोटी मोटी कोई समस्या आती है तो वो भी समस्याएं सोल्व हो सकती है। और ये फिर लड़कियों को जब घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, ऐसे में हम जो है लड़कियों को घर से बाहर निकाल रहे हैं और आज की तारीख में उनको वन्य जीवों से रूबरू करा रहे हैं ताकि उनके माध्यम से आगे अगर वो लड़कियाँ ससुराल भी अगर जाती है तो वहाँ पे भी भला करती है और बाप के घर में रहती है तो भी जानवरों का भला होता है। अगर वो ससुराल में जाने के बाद हो सकता है उसको रेस्क्यू करने का मौका ना मिले, लेकिन कम से कम उस भीड़ में ये तो बता सकती है कि ये जानवर जो है वो नॉन विनमस है, बिना जहर का है, कभी किसी को काटता नहीं है, तो इससे भी अपन वन्य जीवों को बचाया जा सकता है। इस पहल में मैंने राजस्थान में सबसे पहले मैंने पहल करी है और करीब मैंने 200 से ऊपर मैंने लड़कियों को तैयार किया जो आज अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है।